एक जंगल में एक सफेद शेर टहल रहा था। तभी जंगल में उसे एक बड़ा बाज पड़ा मिलता है। सफेद शेर जल्दी से उसका शिकार कर लेता है। जैसे ही वह उस बड़े बाज को खाता है, तभी वह एक जॉम्बी शेर में बदल जाता है और खतरनाक शेर का रूप ले लेता है और जंगल में शिकार ढूंढने लगता है। तभी वह एक भालू का शिकार कर लेता है और वह भी एक जॉम्बी भालू में बदल जाता है। अब बहुत दिन बीत गए। जंगल के सारे जानवर एक एक करके जॉम्बी में बदल चुके थे। वहां का राजा बब्बर शेर इस बात से बड़ा परेशान हो गया था। उसे समझ तक नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। सिर्फ एक राजा शेर ही बचे थे जो अब तक जॉम्बी से बचे हुए थे, लेकिन जंगल के सारे जानवर जॉम्बी का शिकार हो चुके थे। राजा शेर इसी सोच में परेशान जंगल में इधर उधर टहल रहे थे। तभी उन्हें एक जादुई सीढ़ी पेड़ दिखाई देता है। जादुई सीढ़ी पेड़ बोलता है, मैं जानता हूं तुम अपने जंगल के जानवरों पर आई मुसीबत से परेशान है। मैं तुम्हें इसका समाधान बताने के लिए यहाँ प्रकट हुआ हूँ। पेड़ की ये बातें सुनकर राजा शेर चैन की सांस लेता है और बोलता है, तो बताओ जादुई पेड़, मुझे क्या करना होगा जिससे मेरे जंगल के सभी जानवर ज़ॉम्बी से मुक्त हो जाएं? तब पेड़ उसे बताता है, पास के ही जंगल में एक तालाब है। मैं अपनी जादुई शक्तियां उस तालाब के पानी में डालूंगा। जैसे ही वह उस पानी के अंदर जाएंगे, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो सब उस तालाब के अंदर जाएंगे कैसे? वो सब अभी ज़ॉम्बी जानवर है। उनके सामने जो भी जानवर आएगा वो उसे खा डालेंगे। अभी उनके सामने कोई भी जानवर आएगा तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। तो तुम्हें उनके सामने जाना है और उस तालाब की ओर दौड़ना है और तालाब के अंदर चले जाना है। वो तुम्हें खाने तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे और जैसे ही वो सब तालाब में पहुंचेंगे तो तुरंत ठीक हो जाएंगे। राजा शेर ऐसा ही करता है, उन्हें अपने पीछे दौड़ाता है। और वो तालाब में चले जाते हैं और वो सब ठीक हो जाते हैं। इस तरह वो ज़ॉम्बी जानवर उस जादुई सीढ़ी पेड़ की मदद से सभी जानवर एक बार फिर से नया जीवन जी पाते हैं और सभी हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। बागली अपने बेटे को जंगल की सैर करा रही थी। तभी वहां एक शिकारी आकर उन पर वार करने लगता है। बागी ने अपने बेटे को बचाकर खुद उसका मुकाबला करती है, लेकिन तभी वो शिकारी जोर से बागिन पर तीर चला देता है, जिससे वो सीधा बागिन को जाकर लगता है और शिकारी वहां से भाग जाता है। तभी वह बागिन का बेटा बाहर आकर माँ उठो माँ, वो शिकारी चला गया। उठो माँ, अब हम चलो जंगल की सैर करते हैं। माँ माँ उठो प्लीज। तभी वहां बकरी आती है। वह बकरी गर्भवती थी। वह उस बाघिन को मरा देख उसके पास आती है। बच्चे को रोता देख बकरी कहती है, बच्चे रो मत, अब तुम्हारी माँ कभी नहीं उठेगी, वह मर चुकी है। बाघिन का बेटा रोने लगता है। तब बकरी उसे अपने साथ ले आती है। बकरी उसकी बहुत देखभाल करती है। बाघिन का बेटा भी बकरी को माँ ही कहकर बुलाता है। बकरी ने उसका नाम वीरू रखा था। समय बीतता गया और वीरू बड़ा हो गया और बकरी को भी एक बच्चा पैदा हुआ।
बकरी अपने बच्चे और वीरों को एक समान प्यार करती है, उनमें कोई भेदभाव नहीं करती। तब बकरी अपने बच्चों से कहती है, बच्चों अब तुम साथ साथ रहोगे और साथ साथ खेलोगे। माँ की बात सुनकर बच्चे खुशी खुशी खेलने चले जाते हैं। तभी वहां एक लोमड़ी आती है और बकरी से कहती है, तुमने जिस बाघ के बच्चे को अपने साथ भेजा है वो बहुत खतरनाक है, तुम्हारे बच्चे को वो मारकर खा जाएगा। नहीं नहीं वीरू ऐसा कभी नहीं करेगा, मेरा बेटा वीरू बहुत अच्छा है, वीरू की परवरिश मैंने की है, वो धोखेबाज नहीं हो सकता। यह सुनकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। अगले दिन बकरी अपने दोनों बच्चों से कहती है, सुनो वीरू मुझे आज किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ गया है, तुम दोनों ध्यान से रहना, और हाँ वीरू तुम अपने छोटे भाई का भी बड़ा ख्याल रखना। ठीक है माँ, आप बेफिक्र होकर जाए, हम यहाँ दोनों सुरक्षित रहेंगे। बकरी वहां से चली जाती है। वीरू और बकरी का बच्चा दोनों खेलने लगते हैं। खेलते खेलते बकरी का बच्चा कहीं दूर चला जाता है। वीरू बकरी के बच्चे को वहां ना पाकर बहुत परेशान हो जाता है और वीरू छोटे जानवरों का शिकार करके बकरी के बच्चे को देखने लगता है। ये कहाँ चला गया, अब मैं इसको कहाँ ढूंढूं? माँ आकर बोलेगी तुमने भाई का ध्यान नहीं रखा, मैं अब क्या करूं? वीरू बहुत परेशान था। तभी बकरी भी वहां आ जाती है और वीरू के मुंह पर खून लगा देख वो डर जाती है और अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। वीरू कहाँ है, मेरा बच्चा वो यहाँ कहीं नहीं दिखा, तुमने ही उसे अपना शिकार बना लिया है ना, मुझे तुम पर ऐसे छोड़ कहीं नहीं जाना चाहिए था, लोमड़ी ने सही ही कहा था, तुम मेरे बच्चे को एक दिन मारकर जरूर खा जाओगे। नहीं माँ नहीं, मैं भी बहुत देर से उसे ढूंढ रहा हूँ, मुझे तो वो कहीं नहीं मिला। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही उसे मार कर खाया है, मैं ही पागल थी तुम पर विश्वास करके तुम्हारे पास अपने बच्चे को छोड़ गई। हाय मेरा बच्चा। नहीं माँ ऐसा मत कहो, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो, मुझे सफाई मत दो और यहाँ से चले जाओ। बेचारा वीरू वहां से रोता हुआ चला जाता है। तभी वहां बकरी का बच्चा आता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है कि कैसे वो खेलता खेलता दूर चला गया था। बच्चे की बात सुनकर माँ को वीरू पर गुस्सा दिखाने और वहां से चले जाने की बात पर बहुत दुख होता है और वो जल्दी से वीरू को बुलाने जाती है। रास्ते में ही वीरू रोता हुआ जा रहा था, बकरी उसे रोक लेती है और उससे कहती है, बेटा बेटा मुझे माफ कर दो, चलो मेरे साथ घर चलो, मुझे माफ कर दो बेटा। तब वो घर आ जाते हैं और फिर से तीनों साथ साथ रहने लगते हैं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।